हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे HTML में हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, वो हम आज देखेंगे और विद शॉर्टकट कीज इन VS कोड में देखेंगे हम। तो चलो स्क्रीन पे आते हैं। तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लेंगे शिफ्ट और वन दबा के, और यहाँ पे हमारा HTML का बॉयलर प्लेट आ गया। इसके अंदर हम लेंगे हेडिंग टैग H1। H1 क्या है? H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। ऐसे 6 हेडिंग टैग होते हैं, H1 to H6 तक। तो मैंने यहाँ पे लिखा H1 हेडिंग टैग 1, H2 हेडिंग टैग 2, हेडिंग टैग के 2 के अंदर लिखा मैंने हेडिंग टैग 2। यहाँ पे मिलेगा H3 हेडिंग 3। तो मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट और अल्ट दबा के डाउन एरो दबाता हूँ, तो ये क्या हुआ, जैसे कि तैसा कॉपी पेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ H4, मतलब ये हमारा चौथा हेडिंग टैग है। H4 हेडिंग 4 4 और यहाँ पे मैं H5 लेता हूँ हेडिंग 5, और हमारा लास्ट का है H6 हेडिंग 6। तो हमारे ऐसे 6 हेडिंग टैग हो गए। सबसे छोटा होता है H6, सबसे बड़ा होता है H1। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे H1 to H6 तक। कैसे लिखेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग? H$ इंटू 6, एंटर। तो यहाँ पे डॉलर क्या करता है, ट्रिगर करता है, जितने वैल्यू चाहिए उतने तक वन से काउंट करते जाएगा। मैं यहाँ पे अल्ट शिफ्ट और क्लिक दबाता हूँ ऊपर से नीचे तक, ताकि एक ही लाइन में वो सिलेक्ट हो जाए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग और यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखूँगा 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो कितनी टाइम की बचत होगी हमारे। मैं यहाँ पे ये 4 टैग लिखता हूँ ताकि बीच में लाइन आए, और यहाँ पे भी ये 4 टैग लिखूंगा। हम यहाँ पे और सिंपल वे से करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ H$ कर्ली ब्रेस के अंदर लिखेंगे हेडिंग, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, डॉलर क्या करता है, ट्रिगर करता है, इनटू 6 करेंगे ताकि वो पूरा का पूरा आ जाए। देखो हमने 3 तरह से देखा, कितना सिंपल वे है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकता है। मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट अल्टर और क्लिक करता हूँ, मतलब BH1 में हमने क्लिक किया पहले, और यहाँ पे H6 तक करता हूँ शिफ्ट अल्टर और क्लिक, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। और मैं इसको सेंटर में लेता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो देखो हमारा टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा, देखो गया ना। वैसे यहाँ पे भी मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लिक अल्टर शिफ्ट अलाइन, राइट को लेते हैं हम, देखो हो गया, राइट को हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो।
डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहता है। तो हमने देखा सेंटर में और राइट को कैसे मूव ऑन हो गया, और लेफ्ट को लास्ट वाला डिफॉल्ट ही लेफ्ट लेफ्ट से चालू होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता सकता है। चलो, थैंक यू।